कोरोना लॉकडाउन और उसके बाद ग्रीष्म अवकाश के चलते बच्चों को स्कूलों में मिलने वाला मिड डे मील नहीं मिल पाया। ऐसे में केंद्र सरकार के निर्देशों पर 94 दिनों के मिड डे मील की वैकल्पिक व्यवस्था की गई। राज्य सरकार ने कोरोना को देखते हुए अब स्टूडेंट्स तक गेहूं और चावल पहुंचाने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसके अनुसार गेहूं और चावल राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित करने का फैसला लिया है। साथ ही तेल, मसाले, मिर्च भी दिए जाने पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसके आधार पे हमने जो गेहूं है, चावल है, उसको राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित करने का निर्णय लिया है। जो बाकी का सामान है, तेल है, मसाला है, मिर्च है, इसके लिए भी पत्रावली, चूंकि उसमें दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनमें भी इस तरह की पत्रावली चली है, तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ फाइनेंस भी इसमें इन्वॉल्व होता है, चीफ सेक्रेटरी भी होता है, और निश्चित रूप से जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया